राकेश नाथ चाहे कुछ भी कर ले। हिंदुस्तान का मशहूर वकील आदित्य, आदित्य शानवार। अरे पापा आप यहां अचानक? बेटे तुम्हें बधाई देने चला आया, तुमने हमारी समधन कल्याणी देवी जी का केस जीता है इसलिए। वो केस? अरे पापा वो केस तो जीतना ही था, वो शकील अहमद वाकई बेगुनाह था। फिर भी तुम बधाई के पात्र हो बेटे। Take it. Thank you so much. आइए ना पापा, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बेटे एक बात पूछूं, इफ यू डोंट माइंड। श्योर। ये शकील सचमुच बेगुनाह था या तुमने साबित कर दिया? नहीं पापा वो वाकई बेगुनाह था। लेकिन मैंने तो सुना है कि हर सबूत हर गवाह उसके खिलाफ था, फिर भी तुमने? पापा यही तो मेरे हुनर का कमाल है। और तुम्हारे इसी हुनर का मैं कायल हूं, और इस केस के जीतने के बाद तो मैं और भी कायल हूं। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। लेकिन बेटे हमने सुना है कि तुम ऐसे ही केस लेते हो जो काफी पेचीदा हो, किसी दूसरे वकील के बस के ना हो। जानता हूं पापा, इसी वजह से तो मेरी इमेज बाकी वकीलों से बिल्कुल अलग है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। कोर्ट में चोर को शरीफ, डाकू को साधु और बदमाश को सीधा साबित करने का हुनर सिर्फ तुमने और किसी वकील ने। बाबा थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ये केस कुछ उल्टा ही ले लिया तुमने। ये शकील को बेगुनाह? अब पापा जाने दीजिए, रात गई बात गई, आपके समधन की इज्जत का दामन और उसका सदन पाक साफ साबित हो गए, और उन लोगों को क्या चाहिए। चलो अच्छा हुआ बेटे, इसी मौके पर लेट्स सेलिब्रेट। छोटा 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 क्यों पापा, पूरी बोतल। लेट्स सेलिब्रेट। आइए पिक्चर। अरे पापा छोड़िए ना ये शकील की बात, रात गई बात गई, एंजॉय। चीयर्स। चीयर्स। फिर भी बेटे मेरे मन में एक क्यूरियोसिटी है कि तुमने ये केस अपनी मर्जी के खिलाफ कैसे लिया। पापा लेना पड़ा, वो विजय है ना अजय का भाई, वो मेरे पास आया, रोया, गिड़गिड़ाया, तो मुझे अपने उसूलों के खिलाफ ये केस लेना पड़ा पापा। तो तुमने इस केस में अच्छी खासी रकम भी ली होगी ना? हाँ ऑफ कोर्स अच्छी खासी रकम ली, वरना आप तो मुझे जानते हैं ना, मैं ये केस लेता ही नहीं। ये लो बेटे ब्लैंक चेक, रकम इसमें तुम जितनी चाहो भर लो। लेकिन मैं किस लिए पापा? मुझे सिर्फ ये बताने के लिए कि शकील को तुमने कैसे रिहा करवाया, बस। पापा वो मेरा क्लाइंट है और उसका सीक्रेट बताना। अगर विजय तुम्हारा क्लाइंट है तो मेरा रिश्तेदार और मेरे बहुत क्लोज रिलेशन में, मेरी बेटी का देवर है, और बेटे तुम तो जानते हो कि उसके घर वाले, उसके माँ बाप मेरी बेटी के साथ कैसा सलूक करते हैं। ये तुमसे छुपा नहीं है। हाँ पापा मैं सब जानता हूं, इसीलिए मैं ये जानना चाहता हूं, और जो मैं जानना चाहता हूं वो भी तुम अच्छी तरह से जानते हो। मैं जानता हूं बेटे कि तुम्हारे पेशे में बातों का ही मोल है, इसलिए जो मैं पूछ रहा हूं उसकी मैंने तुम्हें मनमानी कीमत दी है। बेटे जो तुम सोच रहे हो वो मैं अच्छी तरह से जानता हूं, तुम मुझ पर विश्वास करो,
कि तुम मुझे जो कुछ भी बताओगे वो सिर्फ मेरे सीने में रहेगा, ये बात किसी और को पता भी नहीं चलेगा। मैं तुमसे वादा करता हूं। मैं ठीक है पापा, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन वो क्या है ना कि शकील को छुड़ाने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ विजय को ढाबला भाई से मिला। Cheers, enjoy. हालांकि ये बात इस वक्त तुमसे पूछने का कोई सेंस नहीं है, फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि शकील का केस आदित्य को सौंपने का ख्याल तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? पापा, शकील भाई का केस लड़ने के लिए माँ को कोई ना कोई वकील तो चाहिए ही था। मैंने सोचा कि एक नामी वकील होने के साथ साथ आदित्य भाई साहब हमारे रिश्तेदार भी हैं, तो उनसे बेहतर वकील इस केस के लिए और कौन हो सकता है, इसीलिए मैंने उन्हें हायर किया। यू आर राइट, आदित्य ने ये केस जीत कर दिखा दिया। इस सारे केस में खुशी मुझे इस बात की है कि तुम्हारी मां की दिल को चैन मिला और सदन बदनाम होने से बच गया। हाँ पापा, मुझे भी माँ की इज्जत का ख्याल था। इतनी उम्मीदों और आशाओं के साथ जिस सदन को उन्होंने खड़ा किया है वो एक पल में बिखर जाता। एनीवे, जो कुछ भी हो अच्छा ही हुआ विजय। अच्छा बाय द वे, तुमने सक्सेरिया वाली फाइल पढ़ ली? हाँ पापा, और उसका जवाब भी मैंने उन्हें भेज दिया है, उनका अगला ऑर्डर हमें मिल जाएगा। वेरी गुड। अच्छा वो रायपुर वाली फर्म के साथ होने वाली डील कहाँ तक पहुँची? पापा वो भी फाइनल हो जाएगी, उनका रिप्रेजेंटेटिव कल ही यहाँ पे आने वाला है, कल शाम को मेरी उसके साथ ही मीटिंग है। अच्छा पापा, मैं चलता हूँ, मुझे स्टॉक मार्केट जाना है। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अरे विजय, कैसे हो बेटे? अच्छा हूँ अंकल। पापा अंदर आइए ना। मुझे बलराज से नहीं तुमसे काम था। मुझसे? हाँ बेटे। अंकल लेकिन इस वक्त मैं जल्दी हूँ। मुझसे भी ज्यादा जल्दी है तुम्हें, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। अगर अब वक्त तुमने नहीं दिया तो बहुत देर हो जाएगी। आओ मेरे साथ। विजय सच कहूं तो कल्याणी देवी जी के तीनों बेटों में तुम ही सबसे ज्यादा हो। क्या फर्ज निभाया है तुमने? तुमने अपनी मां के साथ साथ उनके कल्याणी सदन की भी लाज रखी है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। ये बात अलग है कि तुम लोगों के साथ साथ हमारी भी काफी बदनामी हुई है, लेकिन विजय तुम बहुत ही होनहार लड़के हो। क्या आपने यही सब बोलने के लिए मुझे यहां बुलाया? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। मैंने तुम्हें यह पूछने के लिए बुलाया है कि क्या तुम डाबला भाई को जानते हो? मैं क्या करेगा भाई, उस दिन दामोदर से गोला
मैं डाबला भाई को अपन का गाला देने को तैयार है, कर गया तो फिर पलटी खा गया। वैसे भाई आप जो उसको ऑफर दिया था उसके लिए उसने मना कर दिया। मैं बात करूंगा उससे। तो जा। जी। सुन। हाँ भाई। आज शाम को तो अक्कू के साथ शान पड़ा गया, वो अपना ड्राइवर रहता ना अब्दुल। हाँ भाई। उसको बुला करना, नासिक माल भेजना है। भाई अपन को इतनी दूर भेजने से उसको फोन करके बुला लेते। नाम है तो दाबला भाई को रास्ता दिखाएगा। अरे फोन तो मैं भी कर सकता था। फोन करा मैं। जा। जा। आओ विजय चौधरी आओ। क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछ। मेरे और तुम्हारे बीच जो डीलिंग हुई थी उसके बारे में तुमने किसी को कुछ बताया? वैसे भी इस डील के बारे में कोई नहीं जानता विजय। इस डील के बारे में वही जानता है जो डील करता है। सच कह रहा हूं भैरव की सौगंध। तो फिर ये सारी बातें मेरे बड़े भाई के ससुर राकेश नाथ को कैसे पता चली? राकेश नाथ से मेरी एक दो बार मुलाकात हुई किसी काम के सिलसिले में, लेकिन तुम्हारा जिक्र कभी नहीं हुआ। वो तो ये भी नहीं जानता कि तुम्हारा यहां आना जाना है। देखो डबला भाई, अगर ये बात झूठ निकली तो गला काट देना डबला भाई का। डाबला भाई दोस्ती में गद्दारी नहीं करता विजय चौधरी, समझे? विजय आखिर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। एक उलझन को मिटाने के लिए तुमने अपनी पूरी जिंदगी उलझन बनाकर रख दी। देखो टीना, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। इस वक्त मैं तुम्हारे ही परेशानी की बात कर रही हूं विजय। क्या मिला तुम्हें मेरे भाई के साथ काम करके? टीना मिला तो बहुत कुछ, लेकिन जितना मिला उससे कहीं ज्यादा मुझसे छिन जाने वाला है। तुम्हारी ये सूरत और बातें अच्छी तरह से बता रही हैं कि तुम्हें किसी षड्यंत्र में फंसाया गया है। हाँ, फंसाया गया मुझे षड्यंत्र में, और मैं उसी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूं। वो रास्ता तुम्हें किसी और मोड़ पर मिल जाएगा विजय, लेकिन मेरे भाई की दहलीज पर कभी नहीं, क्योंकि तुम्हें मजबूर देख के वो तुम्हें फिर फंसाने की कोशिश करेगा। नहीं टीना, अब चाहे मेरी जान चली जाए मैं अपने आप को इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। टीना, मैंने दुनिया में ऐसी पहली बहन देखी है जो अपने भाई की बुराई करती है, दूसरों के सामने उसे जलील करती है। मैं तुम्हारी बुराई नहीं करती हूं भैया, तुम्हारे बुरे कामों की बुराई करती हूं। और जब से तुमने उस सीधे साधे लड़के को अपने जाल में फंसाया है ना, तब से मैं तुमसे और ज्यादा नफरत करने लगी हूं। देखो टीना, चिल्लाओ मत, मैं धीरे से भी सुन सकती हूं। जानता हूं, और ये भी जानता हूं टीना कि आजकल तुम उस लड़के की ओर कुछ ज्यादा ही तवज्जो देने लगी हो। हाँ, मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगी हूं।
क्योंकि तुम्हारे साथ बुरे काम करने के बावजूद मुझे उसमें अभी भी अच्छाई बाकी नजर आती है। अगर मैं तुमसे कहूं कि आज से तुम उस लड़के से बात नहीं करोगे, अगर मैं तुमसे कहूं कि आज से तुम उस लड़के को नहीं मिलोगी तो मैं हरगिज नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं उसे तुम्हारे तरह बनने देना नहीं चाहती। तो बात यहां तक पहुंच गई थी ना, लेकिन इतना जान लो तुम्हारी बात उस लड़के के साथ कहीं तक भी पहुंची हो, वो बात मेरी पहुंच के बाहर नहीं जा पाएगी, क्योंकि विजय वही करेगा जो मैं करवाऊंगा, विजय वही सुनेगा जो मैं सुनाऊंगा, विजय वही देखेगा जो मैं दिखाऊंगा, समझे? बात उसने मुझसे यही कहा है कि उसने इनामदार को इस डील के बारे में कुछ नहीं बताया है। दाबला भाई ने तुम्हें कहा और तुम्हें उसकी बात पर यकीन हो गया, लेकिन उसकी बात पर यकीन करने से पहले तुमने यह नहीं सोचा कि वो किस तरह का आदमी है, क्या धंधे हैं उसके, जुआरी है, शराबी है, अड्डे हैं उसके, वो जो भी हो यह मैं नहीं जानता, लेकिन उसने मुझे यही कहा है। अच्छा, उसने कहा और तुम मेरे पास चला है सिर्फ यह पूछने के लिए कि मैंने इनामदार साहब को कुछ बताया कि नहीं? ए भाई विजय, मैं वकील हूं और वकील लोग अपने क्लाइंट की बातें किसी दूसरे को नहीं बताते, खास तौर से मेरे जैसा वकील जो अपने क्लाइंट की बात किसी को नहीं बताता। मुझे कुछ नहीं पता मिस्टर शानबाग, मुझे सिर्फ इतना पता है कि इस डील के बारे में मेरे, आपके और दादा के अलावा और कोई नहीं जानता है। कमाल, तुम्हें एक क्रिमिनल की बातों पर यकीन, लेकिन अपने अपने वकील की बात पर नहीं। जी हाँ, मैं जानता हूं कि आप बहुत ही पहुंचे हुए वकील हैं, और इसीलिए मुझे आपकी बात पर और भी विश्वास नहीं। कहीं ये तो नहीं कि आप दोनों ने मिलकर मेरे खिलाफ ये खेल रचा है? बात करो कम से कम। मैं सुनिए मिस्टर शानबाग, भगवान करे कि आप जो कह रहे हैं वो सच हो, मेरी एक बात गौर से सुन लीजिए। अगर मुझे पता चला कि आपने इनामदार को इस बारे में कुछ भी बताया है, तो मैं इस बात को भूल जाऊंगा कि आप मेरे बड़े भाई के सगे भाई हैं। हां, एक बात और, भगवान से मनाइएगा कि मुझे गुस्सा ना आए, क्योंकि मुझे अपने गुस्से से बहुत डर लगता है, समझे आप? अरे विजय,